आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो मेरा नहाना वगैरह हो गया है, पूजा भी हो गया है, बज गए हैं 1:15 और मैं सभी काम कर ली हूँ। खाना नहीं बनाई हूँ, बस नाश्ता बनाया है, कपड़े वगैरह धोई हूँ, अब छत पे जा रही हूँ उसे डालने के लिए। तो आज सब 31 है, तो आप लोग को न्यू ईयर का हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो अब मैं छत पे जाऊंगी, कपड़े डालूंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और ठंड या अभी भी उसी तरह है फ्रेंड, तो मुझे मार्केट भी जाना है, तो मैं मार्केट भी जाऊंगी। आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। और नित्या देखिए चप्पल ली हुई है, खेल रही है, और अभी कपड़े इधर सभी डाल रहे हैं। डल गए हैं और देखिए मेरी धनिया पत्ता फिर निकल गया है, अब इसे फिर तोड़ना है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मार्केट जाना है, तो अब मैं मार्केट जाऊंगी। और नित्या अकेले अकेले खेल रही है और नैना आज सोई हुई है। तो अब मैं नीचे चलती हूँ फ्रेंड, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये लोग जिद कर रहे हैं चिकन लाने के लिए, तो यहाँ चिकन के लिए हमारे यहाँ प्रिपरेशन हो रहा है और नीसु जी लहसुन प्याज छील रहे हैं और आज गुस्सा में है क्योंकि आज ये लोग दोनों मार खाए हैं, खाए हैं क्योंकि ये लोग पढ़ाई नहीं करते, सारा दिन मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो फ्रेंड अभी शाम हो गया है और मैं मार्केट आ गई हूँ और मुझे लेना था बच्चों का बुक पेंसिल वगैरह कुछ था वो, और मुझे सॉक्स भी लेना था, तो वो सब मैं लेके आ गई हूँ। और अब बज गए हैं 6:30-7 बज रहे हैं फ्रेंड, तो मैं अभी यहाँ रोटी बना ले रही हूँ। तो आज मैं कोयला का चूल्हा जलाई हूँ, इसकी रोटी बहुत मस्त मस्त बन। तो फ्रेंड मैं आज चिकन भी बनाऊँगी क्योंकि ये लोग जिद कर रहे थे। मेरा चावल बन गया है फ्रेंड, दूध बॉयल हो रहा है, तो उसके बाद मैं बनाती हूँ। रोटी मैंने बना लिया है, तो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड बढ़ गई है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। इतना ठंड यहाँ पड़ता नहीं है इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है, थोड़ा कम ठंड यहाँ पड़ता है। तो मैं चिकन को मैरिनेट कर ली हूँ, तो यहाँ मैं बिठा दी हूँ फ्रेंड। तो मैं चौकी पे इसलिए रखी हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा किचन में जगह कम है इधर, इसीलिए मैं यही रखी हूँ फ्रेंड। तो अब मैं यहाँ बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। तो यहाँ 4-5 पोटी पे प्याज ली हूँ, हरी मिर्च ली हूँ, सूखी मिर्च ली हूँ, लहसुन 3-4 जौ ली हूँ और जीरा और तेज पत्ता। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, कढ़ाई भी हमारा गरम हो चुका है। तो मैं इसमें जीरा, तेज पत्ता, हरी मिर्च, सूखी मिर्च और प्याज सभी को डाल दूंगी और अच्छे से भूनूंगी और इसे ढक के भूनूंगी और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी फ्रेंड, ताकि प्याज अच्छे से गल जाए क्योंकि ग्रेवी फिर अच्छा बनता है। और मैं आज ज़्यादा चिकन भी नहीं लाई हूँ, 750 ग्राम है, तो मैं इसमें दही डाल के मैरिनेट कर ली हूँ। और ये देखिए मैं कूटा हुआ गरम मसाला कूट के डालूंगी, इसे पीसूंगी नहीं, इसमें कूट के डालूंगी। तो ये देखिए हमारा मस्त प्याज भून रहा है। और ठंड के दिनों में ना आप अगर कोयले के चूल्हे बनाते हो तो रूम भी गर्म हो जाता है, तो हमारे यहाँ तो कोयला झारखंड में मिल ही जाता है इजीली, पैसा लगता है, ख़रीदना पड़ता है इसे भी। तो अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, हल्दी पाउडर डालूंगी और सूखे मसाले मैं आज डालूंगी और ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, और जीरा गोल की पाउडर डालूंगी। आज बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं, और स्वादानुसार नमक। तो कभी कभी अलग अलग तरह से चिकन बनाती हूँ मैं, हर बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से, इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अदरक प्याज लहसुन जो चॉप किया है वो भी डाल दूँगी और जो कप में पानी डाल के इसे भी मैं मिक्स थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मेरा चिकन अच्छे से भून रहा है।
तो ये देखिए इससे आग तापने का मन कर रहा है, तो ये कभी हाथ लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आप पढ़ने बिठा दो तो बच्चे लोग मस्ती करते रहते हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती करता है। तो अब मैं बर्तन भी सरिया लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी रखा हुआ है तो उधर खाना भी बन जाएगा, मैं बर्तन भी सब सेट कर लूँगी। अब देखिए रिसु भी आ गया है, और कुछ ना कुछ, और ख़ासकर छुट्टी के दिनों, छुट्टी के दिन ये लोग ऐसे ही करते हैं ना, को भी मन नहीं लग रहा है। तो नैना भी आ गई है फ्रेंड, और देखिए नैना का मत पूछिए। नैना अगर आप खाना बना रहे हो तो वो कहेगी कि आप गोद में लिए रहो, और वो कढ़ाई देखेगी। देखिए वो किसी के पास भी नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी। और ये लोग देखिए सारा स्वेटर वगैरह निकलवा लेते हैं, पहनते नहीं है, बस अभी पढ़ने बैठे हैं, पहनेंगे फिर खोलेंगे। बच्चे लोग बहुत बदमाशी करने लगे हैं। और देखिए रिसु को नैना को लेने का मन है, मगर नैना जा नहीं रहे उसके पास। और नैना की मम्मी आई है नैना को लेने, मगर नैना जाएगी नहीं, नैना को यहाँ मन लग रहा है। तो रिसु से बार बार गोद लेगा मगर वो जाएगी ही नहीं। और मैं मेरा चिकन भी भून रहा है, और चूल्हा ना चारों तरफ से आपको धाह भी देता है, तो आप अगर ठंड के दिनों में बनाओगे तो अच्छा लगता है। गर्मी में तो गर्माहट सी हो जाती है, तो ठंड में अच्छा लगता है फ्रेंड। अब नैना को मैं चौकी पे बिठा दी हूँ, और नैना देख रही है, मगर उसे मैं बोल रही हूँ मीशू को ले लेने, मगर वो जा नहीं रहे उसके पास, इसलिए वो तो देखिए कैसे भाग रही है, उसके पास नहीं जाना चाह रही है। और गोद में आप लिए रहिए, और वो देखेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल ऐसे ही अपने घर में भी करती है, वो मम्मी के गोद में रहेगी और कहेगी मैं मुझे गोद में ही लेके बनाओ खाना। तो ये देखिए हमारा चिकन भुन गया है, और नैना अपने घर चली गई है, और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी फ्रेंड, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो हल्का सा ही है, तो थोड़ा सा ग्रेवी में डाल दूंगी, ग्रेवी के लिए पानी, और इससे ढक दूंगी। और तब तक मैं कुछ बर्तन वगैरह वॉश कर लूंगी। तो ये देखिए हमारा चिकन बन के रेडी है, और यहाँ बच्चे खाने के लिए भी रेडी हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा चिकन बन के रेडी है, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए फ्रेंड चिकन बन के रेडी है, और कितना, अब हम लोग खाना वगैरह खाने बैठे हैं। तो यहाँ निशु है, इधर रिसु है, ये देखिए। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें फ्रेंड, क्योंकि आपके लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आप कृपया करके लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। तो अब हम लोग खाना खा ले रहे हैं, तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स।